दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो बोलते हैं, यार मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मुझे 8 साल का, 10 साल का, 9 साल का एक्सपीरियंस होगा, मेरी सैलरी बहुत कम है। या ये बोलते हैं कि यार मेरी कंपनी में वर्क ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा, मेरे से 12 12 घंटे, 14 14 घंटे काम लेते हैं। एक्चुअली ऐसे मेरे पास 2 3 कमेंट्स आ रहे थे। अगर आप ये सोच रहे हो कि काम ज़्यादा है, सैलरी कम है, तो मैं उसी के बारे में आज बात करूंगा बेसिकली। अगर नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, मैं सीधा सीधा एक ही बात पहले बता दूं कि कंपनी ना आपसे चलती है ना आप कंपनी से चलते हो, क्योंकि कंपनी के लिए बंदे बहुत हैं और बंदों के लिए कंपनी बहुत हैं। ठीक है, तो आप अगर ये बोलते हो कि कंपनी मेरी सैलरी नहीं बढ़ाती है या मतलब मेरे पास वर्क प्रेशर ज़्यादा, तो पहले मैं बात करूँ, अगर कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाती है तो दोस्तों आप किसी कंपनी में रुके हो, आपको 1 साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैक्स 2 साल तक आप वहाँ पर वेट करो। अगर इनकेस कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाती है, यह है कि करेंट कंपनी कम हाइक देती है एज़ पर द स्विच कंपनी। आप अगर स्विच करोगे तो आपको अराउंड 25 और 30%, 20% के प्लस आपको हाइक मिल जाएगा, मतलब 20% से ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप करेंट कंपनी में हो तो लगभग लगभग 10% 12%, मैक्स 15 तक ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है और इसके कम ही रहता है। तो इस तरीके का बेसिकली काम करता है कंपनी का फंडा। तो वहाँ पे होता क्या, बेसिकली 2 साल हो गए आपको, 2 साल तक अगर कंपनी सैलरी आपकी नहीं बढ़ा रही तो सीधा से एक फंडा है, कंपनी स्विच मारो, कोई और तरीका नहीं है। कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही, कंपनी स्विच मारो, पढ़ाई करो, स्टडी करो, ट्रेनिंग करो और कम इंटरव्यू देने जाओ। अब रही बात यहाँ पे कि जॉब्स के साथ साथ इंटरव्यू कैसे देंगे, तो दोस्तों जॉब करके ना जॉब सर्च करी जा सकती है, बस आपके अंदर उतना स्टैमिना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि दोनों चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। आपके पास एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है, चीज़ें पता हो जाती हैं, तो मैक्स मैक्स 2 3 से 2 या 3 4 इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। लेकिन जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फ्रेशर के लिए, तो अगर आपको 2 साल हो गए कंपनी चली तो सीधा सा फंडा है, जॉब चेंज करो, आपको 20% 25% हाइक नेक्स्ट कंपनी में मिलेगा। इन केस अगर आपको बहुत जल्दी सैलरी बढ़वानी है, तो फिर आप ही मेरा आइडिया है कि आप 3 साल तक, 1 1 साल तक 3 कंपनी ही चेंज करो। एग्जाम्पल, आप 15 पे लगे तो 15% में मान लो नेक्स्ट कंपनी में गए, उसमें 25% मिला, फिर नेक्स्ट कंपनी आपने स्विच करी फिर उसमें 25% मिला, फिर नेक्स्ट कंपनी आपने स्विच करी फिर उसमें 25% मिला ना, तो ये लगभग लगभग काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो। इसके बाद अगर जब आपकी 3 कंपनी चेंज होगी, फिर 1 कंपनी में स्टेबल हो जाओ और अराउंड 1.5 साल, 2 2 2.5 साल, 2.5 से 3 साल के बीच में आराम से स्टेबल हो जाओ, ताकि जब नेक्स्ट इंटरव्यू देने जाओ तो कंपनी वाले ये ना पूछे कि आप 1 1 साल में कंपनी चेंज क्यों करते चले आ रहे हो। तो फिर जब आपकी सैलरी लगभग लगभग लगे कि हाँ मेरे लिए कम्फर्ट है, मतलब इतनी सैलरी मेरे लिए ठीक है, तो फिर आप उस कंपनी में रुक जाओ। कभी भी कंपनी में ये सोच के मत बैठो कि यार कंपनी मेरे बारे में बहुत सोचती, कंपनी के लोग अच्छे हैं, मेरे जो सीनियर हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरा जो MD है वो बहुत अच्छा है, ये कंपनी का ओनर है वो बहुत अच्छा है। तो मैं बता दूं, जिस दिन आप रिजाइन डालोगे ना, उसके बाद वो बात भी नहीं करेगा। आप कैबिन में बुला के चाय अगर अभी पी रहे हो ना, रिजाइन डाल के देखना, फिर चाय भी नहीं मिलेगी वहाँ पर, नहीं मिलेगी इन द सेंस कि कभी बैठ के फिर चाय भी नहीं होगी वहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का बिहेव होता, तो सीधा सा फंडा है, कंपनी ना हमसे या ना हम कंपनी से, सैलरी नहीं बढ़ाओगे कंपनी छोड़ेंगे, ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। और रही बात जहां तक वर्क प्रेशर की, तो अगर आपको लग रहा है कि काम वहाँ पे ज़्यादा है, काम ज़्यादा ले रहे हैं, देखो काम पे तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वो चीज़ होती ना कि अगर आप काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा। अगर आपको अराउंड अराउंड महीने में 1 लाख अगर आपसे प्रोडक्टिविटी ले रहे, अगर 1 लाख रुपये आपसे अगर निकाल रहे हैं, तो सैलरी आपको वो 10 हज़ार देंगे, तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन वो होता ना कि मेरी 8 से 9 घंटे की जॉब है, तो मैं 8 से 9 घंटे जितना भी काम है मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन आप बोलो कि 9 घंटे के बाद 12 घंटे रुको, 13 घंटे, तो ये एक प्रेशर होता है, ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो सीधा से फंडा यार कंपनी चेंज करो, किसी दूसरी कंपनी में जाओ और ट्राई करो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है काम ज़रूर होते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। कई कंपनीज में होता है इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, कई कंपनीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब थोड़ा सा डिपेंड करता है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज में एक टाइमिंग होता है बहुत ज़्यादा, आपको 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, कभी हो जाता है 1 2 घंटे कि आप वहाँ से लेट निकल रहे हो, वो सारी चीज़ें। तो यही फंडा है यार, अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है या काम नहीं प्रॉपर हो पा रहा है, या मतलब कि ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा काम है, तो आप कंपनी स्विच कर सकते हो, नो डाउट। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, वो मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी थी, वो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, तो सब एक ये मोह माया है, कंपनी छोड़ के जाओ, 6 महीने बाद कोई उस कंपनी से याद नहीं करेगा तुम्हें, मतलब फ़ोन आएंगे बस, वो भी हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में। तो ये लाइफ की रियलिटी होती है, वो सारी चीज़ें सोच के वहाँ पे मत बैठो, कि वो अपना फ्यूचर है, अपना करियर है, अपने लिए बनाना है, अपने लिए जीना है। तो पहले अपना
अपना फ्यूचर करियर उस पर ध्यान दो, बाद में सारी चीज़ें तो आई जाएंगी। सो दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर बटन दे रहा हूँ वहाँ पे क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट सकते नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।